नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, 46वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में, जैसा कि पहले भी ट्रंप ऐलान कर चुके थे वो शामिल नहीं होंगे, तो वो नहीं हुए। हालांकि आखिरी बार राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें वो खुद थोड़े से भावुक होते हुए नजर आए। ट्रंप समर्थक और साथ ही साथ इवांका ट्रंप भी अपने पिता की इस तरह की बातों को सुनकर काफी ज्यादा भावुक होती हुई नजर आई। और अब इस सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि जो बाइडेन किस तरीके से काम करेंगे। राष्ट्रपति वो बन चुके हैं, सबसे प्रायोरिटी उनकी किस काम की होगी, तो ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जो एक आइडिया हमको मिला है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो ये कि अगले 100 दिन जो बाइडेन क्या कुछ काम कर सकते हैं, किस तरह का वो काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उम्मीद ये है कि जो बाइडेन व्हाइट हाउस में जाते ही अपना पहला आदेश कोरोना वायरस से संबंधित दे सकते हैं। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जिस तरीके से मामले अमेरिका में बढ़ रहे हैं, जो बाइडेन लॉकडाउन का ऐलान भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेडरल प्रॉपर्टी और इंटर स्टेट ट्रैवल के दौरान मास्क को वो पूरी तरह से जरूरी भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोरोना के लिए एहतियात बरती जाए इसको लेकर सख्त नियम बना सकते हैं। इसके अलावा फिर स्टूडेंट लोन पेमेंट्स को कुछ समय के लिए वो रोक सकते हैं। ये ट्रंप का फैसला था, लेकिन इसको वो पलट सकते हैं। साथ ही साथ $1.9 trillion का रिलीफ लेजिस्लेटिव पैकेज को जारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में वो फिर से शामिल हो सकते हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि बाइडेन मुस्लिमों की यात्रा पर लगाए गए कथित रोक पर, कथित प्रतिबंध को वो खत्म कर सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो ट्रंप के कुछ ऐसे फैसले हैं जिनको आते के साथ ही जो बाइडेन पलट सकते हैं। मुस्लिमों से संबंधित कई फैसले ट्रंप ने लिए थे, उन सबको वो पलट सकते हैं। और जो सीरिया, ईरान, इराक, सूडान, लीबिया, सोमालिया, यमन, एरिथ्रिया, नाइजीरिया, यहां से जो लोग अमेरिका आते हैं और यहां से वापस वहां पर जाते हैं, उन पर जो कथित तौर पर प्रतिबंध लगाया गया था उसको बाइडेन हटा सकते हैं। इसके अलावा वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 1.10 करोड़ इमिग्रेंट्स को नागरिकता देने का आदेश भी वो दे सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर 100% क्लीन एनर्जी इकोनॉमी और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का आदेश भी जो बाइडेन दे सकते हैं। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती रही है अमेरिका में, या फिर जिस तरीके के कुछ विवाद सामने आते हैं, उसको लेकर सख्त कानून अमेरिका में बनाया जा सकता है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को लेकर नया कानून जो बाइडेन बना सकते हैं। बता दें आपको, जो ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ जो हिंसा होती है, या फिर दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, इन सब को लेकर वो एक एक्ट बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ ऐसे काम होंगे जिनको पहले 100 दिन में बाइडेन करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आप बताइए, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने कि इस पूरी खबर को लेकर और साथ ही साथ जो बाइडेन जो ये काम कर सकते हैं इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें बताएं।